बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू सेवन क्लास। आई होप यू आर गुड एंड सेफ। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी आर डूइंग आर यूनिट नंबर 1, द फिजिकल स्टेट ऑफ द अर्थ। वी हैव डन इट्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड एमसीक्यूज। दिस इज आर लेक्चर नंबर 4। टुडे वी विल सी इट्स लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, गिव आंसर्स इन डिटेल। Now it's question number 1 is explain the composition of earth's interior। ठीक है, इसको भी आपने अच्छा अच्छा करके कॉपी पे लिखना है। क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन की हेड, पहले क्वेश्चन लिखें फिर नीचे हेडिंग दें। नंबर 1, क्रस्ट आउटर सर्फेस। द सर्फेस ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड ड्राई लैंड। इट्स थिकनेस इज नॉट यूनिफॉर्म। अपर मोस्ट एंड लेस थिक स्फीयर ऑफ अर्थ इज known as crust। its thickness is between 8 to 40 km। crust is divided into two parts। upper part is known as continental crust and lower part is known as oceanic crust। the continental crust consists of a number of land masses known as continents। a continental crust is made of silicon and aluminium, therefore it is also known as sial। oceanic crust is made of silicon, iron and magnesium। It is known as sima। This part of earth is rich in mineral। कहते हैं क्रस्ट जो है वो अपर मोस्ट लेयर है, ये इतनी थिक नहीं है और इट्स थिकनेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म। इस और ये बिल्कुल एक जैसी भी नहीं है, स्मूथ नहीं है या एक जैसी, ये नहीं एक जैसी मोटी हो सारी या सारी पतली तय हो। कहते हैं अपर मोस्ट जो है वो लेस थिक है और इसकी थिकनेस जो है वो 8 to 40 किलोमीटर है। क्रस्ट जो है वो फर्दर डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में, कॉन्टीनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टीनेंटल क्रस्ट में क्या है, हमारे कॉन्टीनेंट्स आ जाते हैं और कॉन्टीनेंट्स की क्रस्ट जो है वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बनी हुई है, ताहम इसको सियाल कहते हैं। जबकि ओशियनिक क्रस्ट जो है वो सिलिकॉन, आयरन और मैग्नीशियम की बनी हुई है, इसको सीमा कहते हैं। और ये ज़मीन का ये हिस्सा जो है वो मिनरल से भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बहुत तादाद में मिनरल्स यानी मादनियात वगैरह पाई जाती हैं। ये सारी मिनरल्स हैं ना, मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम। अभी नेक्स्ट है हमारे पास मेंटल, मिडिल लेयर है। मेंटल इज़ बिलो द क्रस्ट एंड कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल में क्या है, 670 किलोमीटर थिक है और इस लेयर में ज़्यादातर मोल्टन रॉक्स हैं। और अपर मेंटल से नीचे लोअर मेंटल है जो हार्ड और सॉलिड है, इसमें ज़्यादातर आयरन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। इट्स थिकनेस इज़ 2230 किलोमीटर। नेक्स्ट है कोर, इंटरनल पार्ट है स्फीयर प्रेजेंट अंडर मेंटल इज कॉल्ड कोर। और ये भी टू पार्ट्स में है, एक्सटर्नल कोर और इंटरनल कोर। एक्सटर्नल कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और इसके साथ इट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ मोल्टन रॉक्स, इसमें ज़्यादातर यानी मोल्टन पिघली हुई चट्टानों पर यह मुश्तमिल है। इसकी थिकनेस 2250 किलोमीटर है। और इंटरनल कोर जो है वो निकल से बनी हुई, निकल और आयरन से बनी हुई है। ये मेटल के नाम है। अच्छा, ये आयरन, निकल, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये सब मेटल नेम ऑफ मेटल्स हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज नाइफ। अब इसको नाइफ के तौर पे पहचाना जाता है। इट्स थिकनेस इज़ अबाउट 1220 किलोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स। आपने टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स को डिस्क्राइब करना है, उनको बयान करना है। इसका आंसर पहले ऊपर फॉल्ट्स की हेडिंग दें। अब फॉल्ट्स की हेडिंग पहले हम फॉल्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट इज़ फॉल्ट, फॉल्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। बिग क्रैक्स और क्लेफ्ट्स इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज फॉल्ट्स। अब फॉल्ट्स क्या है, बिग क्रैक्स हैं यानी कि शिगाफ हैं और क्लेफ्ट्स और दराड़े हैं इन द अर्थ क्रस्ट, ज़मीन की क्रस्ट में, जो कि जानी जाती हैं फॉल्ट्स के तौर पे। फिर आपने नीचे बताना है फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ फॉल्ट, कि मदरजा ज़ैल जो हैं वो टाइप्स ऑफ फॉल्ट हैं। नंबर 1 है नॉर्मल फॉल्ट। इन नॉर्मल फॉल्ट पार्ट्स ऑफ द क्रस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। हाँ जी, इसमें ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं और इस मूवमेंट की वजह से अपर लेयर इसकी हट जाती है और लावा जो है वो ज़मीन से निकल आता है, ज़मीन के कमज़ोर हिस्से से, और वोल्केनिज्म जो है वो वोल्केनिक करप्शन जो है वो भी हो जाती है, नमूदार हो जाती है। फिर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, उसमें क्या है, व्हेन पीसेज ऑफ प्लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब प्लेट्स के जो टुकड़े हैं वो आगे और पीछे फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करते हैं। ये जब मूव करते हैं तो इनकी आपस में टकराते हैं एक दूसरे से। इस किस्म की फॉल्ट्स को हम
ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहेंगे, और इस फॉल्ट में ज़मीन का कोई हिस्सा जो है वो हरकत करके मूव करके नीचे नहीं जाता अप या अप डाउन नहीं होता, यानी उस सिलसिले में ना वो ज़मीन में शिकाफ नीचे बनता है और ना वो माउंटेन की शक्ल अख्तियार करते हैं। अभी रिवर्स फॉल्ट क्या है? रिवर्स फॉल्ट अकर्स व्हेन प्लेट्स मूव टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ प्लेट्स जो हैं वो हरकत करती हैं ड्यू टू द प्रेशर बिटवीन प्लेट्स। अब जब एक दूसरे से टकराती हैं, इनका टकराव होता है, तो फिर क्या होता है, प्रेशर की वजह से अर्थक्वेक और वॉल्केनोज आ जाते हैं। इन दिस वे द प्लेट्स कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं एंड यूजली माउंटेन्स आर फॉर्म, कहते हैं इस नतीजे में क्या बनते हैं, माउंटेन्स बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द अफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक के, आप अफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक बताएं। आंसर में आपने लिखना है अफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। यहाँ पे आ गए हमारे पास, बिल्डिंग्स आर डिस्ट्रॉयड, पीपल आर इंजर्ड एंड देयर इज अ लॉस ऑफ लाइव्स एंड मटेरियल्स, कि बहुत से बिल्डिंग्स जो हैं वो तबाह हो जाती हैं, लोग जख्मी हो जाते हैं, मर जाते हैं, एंड देयर इज अ लॉस ऑफ लाइव्स, बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं, एंड मटेरियल्स, और चीज़ों का भी नुकसान होता है, ठीक है, असासों का, चीज़ों का बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान होता है अर्थक्वेक के आने की वजह से। द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन आर अफेक्टेड, क्या है कि नहर जो फसलों को सैराब किया जाता है, यानी पानी देने, पानी का जो निज़ाम बनाया जाता है, आपाशी का जो सिस्टम बनाया जाता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे के स्टैंडिंग क्रॉप्स आर, आपाशी का निज़ाम डिस्टर्ब होता है, और जो अगर फसलें वगैरह लगी हुई हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड गैस इज़ डिस्टर्ब, ये सारे निज़ाम बिजली का, पानी का और गैस का निज़ाम जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। समटाइम्स देयर इज़ फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस प्रॉब्लम, और इस बाज़ औक़ात क्या होता है, आग लग जाती है बिजली और गैस की डिस्टर्बिंग की वजह से, मसले की वजह से। अब हर्डल्स अकर इन द एक्टिविटीज़ ऑफ रेस्क्यू, अब एहतियाती जो एहतियात वगैरह की जाती है या बचाव का जो अमल होता है, प्रोसेस होता है, उस दौरान भी काफ़ी हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। देयर आर आल्सो थ्रेट्स ऑफ फ्लड, इसके अलावा सैलाब वगैरह भी आ जाते हैं अर्थक्वेक की आने की वजह से। द फेसिलिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर डिस्टर्ब आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेज एंड रोड्स, सामान जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, तो वो अर्थक्वेक की वजह से ब्रिजेज यानी पुल और रोड हैं वो भी तबाह हो जाते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इस वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जो है ये भी परेशानी से इसको भी परेशानी से गुजरना पड़ता है या परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन क्वेश्चंस को आप अच्छा अच्छा करके अपनी कॉपीज पे नोट डाउन करें, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और साथ साथ अपने घर वालों का भी, बाहर जाने से, गैर ज़रूरी बाहर जाने से इज्तनाब करें, कोशिश करें कि आप घर में रहें। इन केस आपको बाहर जाना है आप फेस मास्क यूज़ करें, ठीक है, और सोशल डिस्टेंस को बिल्कुल अपने उसमें रखें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।